गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, फुल अटेंडेंस है। ठीक है, मैं मेरे बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। माय नेम इज श्रीवास्तव अभिषेक। मैं बीपीएड सेम 3 में स्टडी करता हूँ। ओके तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आज के टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, इसका आपका आंसर देने का है। ओके तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फ्लैग है जिसमें 5 रिंग आती है। ओके आप बोलिए। ओलंपिक फ्लैग। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो 4 साल में एक ही बार होता है। ओके आप बोलिए। ओलंपिक। वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन है, ओके सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन सा है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा वैसा वो। ओके आप बोलिए। ओलंपिक। वेरी गुड। तो आज अपने पढ़ेंगे ओलंपिक के बारे में, अपने ओलंपिक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके आज का अपना टॉपिक रहेगा ओलंपिक हिस्ट्री। तो कोई मुझे बता सकता है कि ओलंपिक हिस्ट्री कितने पार्ट में हुई है, ओलंपिक हिस्ट्री के कितने पार्ट है? नो सर। ओके कोई बात, चलो मैं बता देता हूँ। ओलंपिक हिस्ट्री के 2 पार्ट है, एक एशियन ओलंपिक और सेकंड है मॉडर्न ओलंपिक। ओके तो एक है एशियन और नेक्स्ट है मॉडर्न। ओके तो सबसे पहले अपने एशियन ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक चार्ट प्रिपेयर करके लाया हूँ जो आपको बताऊंगा और उस पर से आपको समझना रहेगा। ओके तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एशियन ओलंपिक। तो एशियन ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 776 BC। BC का मतलब है बिफोर क्रिस्ट। ओके जो
सबसे पहले ग्रीक में एथेंस नाम की सिटी में इसको खिलाया गया था। जो पहले ग्राउंड तो थे नहीं, तो ओपन फार्म में इसका आयोजन किया गया था। ओके, तो ये एशियन ओलंपिक था। इसमें सिर्फ ओनली बॉयज पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसमें गर्ल्स अलाउड नहीं थी, और उनको देखना भी मनाही था। ओके, तो इसमें सिर्फ जो ये एशियन ओलंपिक था पुराने जमाने का, उसमें सिर्फ बॉयज ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये पहले की एशियन ओलंपिक। ओके, तो ओलंपिक का नाम किस वर्ड से आ गया है? तो ओलंपिक देखे तो अपने ओलंपियाड, ओलंपियाड करके है, उस पर से ओलंपिक का नाम आया है। ओके, तो पहले के समय में जब ओलंपिक होता था पुराने में, तो कितने दिन का होता था? तो सिर्फ एक ही दिन में सारी गेम्स हो जाती थी। ओके, और वो जो सारी गेम्स होती थी उसके जो विजेता होता था उसको ओलंपी एक दूर पहाड़ पे एक वृक्ष होता था, ओलंपिया ट्री, जिसको ओलंपिया ट्री कहते हैं, तो उसका जो गुड होता था उसका ताज पहनाने में आता था उसके विनर को, और उसको पूरे शहर में घुमाया जाता था कि ये अपना ओलंपिक का विनर है। ओके, आपको समझ आया? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वो ओलंपिक उसके बाद बंद कर दिए, क्योंकि बंद करने का भी रीजन था क्योंकि लोग फिर उसको खेल दिल्ली की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नहीं खेलते थे, उसको सिर्फ एक इनाम जीतना हो सबको ऐसे करके खेलते थे, तो जिससे चीटिंग होने लग गई, तो उसको बंद करने में आया। उसके बाद फिर बहुत टाइम जाने के बाद फिर से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई अपनी। तो मॉडर्न ओलंपिक की कॉन्सेप्ट कब देने में आया? 1894 में बैरन पेरी डी कॉबरेटिन। ओके, बैरन पेरी डी कॉबरेटिन ने कॉन्सेप्ट दिया 1894 में, सॉरी, और इसको इंग्लैंड में इसका पहला कॉन्सेप्ट देने में आया मॉडर्न ओलंपिक का। तो ये बैरन पेरी डी कॉबरेटिन को मॉडर्न ओलंपिक के फादर भी कहने में आते हैं, और सबसे फर्स्ट ओलंपिक जो मॉडर्न हुआ था वो 1896 में 6 to 15 अप्रैल के बीच में हुआ था। ओके, और उसका प्लेस था एथेंस, जहाँ पुराना हुआ था वहीं पर ही मॉडर्न यहाँ स्टार्ट हुआ था, एथेंस में। ओके, और उसके बाद जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा, आपने आंसर दिया हर 4 साल में ओलंपिक होता है, तो वैसे ही 96 में हुआ था। उसके बाद 1900 मतलब 1900 में सेकंड ओलंपिक हुआ था। ओके, तो जब स्टार्ट हुआ था ओलंपिक तो उसमें 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 200 प्लेयर्स थे और 43 गेम्स थी। ओके, और ऐसा था अपना कुछ हिस्ट्री थी, ये एशियन की थी, ये ओलंपिक की थी। ओके, आपको समझ आया? ओके, चलो ये अब आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। वेरी गुड। ओके, अब इसमें कुछ किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एशियन था वो 776 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट तब स्टार्ट हुआ था, और मॉडर्न था जो अपना वो 1896 में 6 to 15 अप्रैल। ओके, ये आपने आपके नोटबुक में नोट कर लिया? यस सर। वेरी गुड। अब ये था अपना हिस्ट्री थी ओलंपिक की। अब अपने पढ़ेंगे ओलंपिक के फ्लैग के बारे में। ओके, ओके, तो अब अपने पढ़ेंगे ओलंपिक के फ्लैग के बारे में। तो मैं आपको उसका भी चार्ट दिखाता हूँ।
अपनी ओलंपिक का चार्ट कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये ओलंपिक का फ्लैग है अपना, वो इन्होंने मतलब बैरोन पेरी डी कोबर्टिन ने दिया था। तो मैं आपको कुछ इसके पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये पिक में जो आपको दिख रहा है ये थे बैरोन पेरी डी कोबर्टिन। ओके, वो ये थे। जैसे आप लोगों ने बताया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा फ्लैग है जिसमें पांच रिंग होती है, तो आपने कहा था ओलंपिक, तो वो कुछ इस तरह से होती है। फर्स्ट है वो ब्लू, सेकंड ब्लैक, थर्ड रेड, फोर्थ येलो एंड लास्ट ग्रीन। ओके, ये जो फाइव रिंग्स है वो अलग अलग कंट्रीज को सिंबल्स जैसा है। तो पूरा जो ओलंपिक होता है ये फाइव कंट्रीज के बीच में होता है। पहला है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा अमेरिका, चौथा यूरोप एंड पांचवा है ओशिनिया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से अपना रिंग होती है जो फ्लैग बनाती है। पांच रिंग इकट्ठी होकर एक फ्लैग रेडी होता है जिसका अलग अलग कलर होता है। ठीक है, अब ये अपने क्या पढ़े ओलंपिक फ्लैग के बारे में, फाइव रिंग्स। ओके, फाइव रिंग्स। आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए ये, और फाइव रिंग्स के नेम भी मैं लिख देता हूं। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, और इनकी जो फाइव कंट्रीज थी उसके भी नाम लिख देता हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए। अफ्रीका, एशिया, सॉरी अमेरिका, यूरोप एंड लास्ट ओशिनिया। ओके, ये आपके नोटबुक को नोट कर लीजिए। वेरी गुड। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। और आज का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा ओलंपिक हिस्ट्री में ओलंपिक फ्रेम, उसको हिंदी में मसाल कहते हैं। ओलंपिक फ्लेम। ओके, तो मैं ओलंपिक फ्लेम के एक आपको पिक बताता हूँ जो अपनी लास्ट ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें कुछ इस प्रकार की अपनी ओलंपिक फ्लेम थी जिसे मसाल कहते हैं, ये ओलंपिक फ्लेम। ओके, तो
ओलंपिक फ्लेम जो है उसका उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बोले तो जैसे ओलंपिक की मशाल कौन जलाएगा, ठीक है। तो ओलंपिक की मशाल जो लास्ट ओलंपिक हुआ उसका जो विनर होता है बेस्ट प्लेयर वो इसको जलाता है, ओके। तो और इस ये ओलंपिक जब से स्टार्ट होता है जो दिन से ओपनिंग सेरेमनी से मशाल जलती है तो क्लोजिंग सेरेमनी तक चालू रहती है ये, ओके। ये थी ओलंपिक फ्लेम जो मैंने आपको पिक बताई वैसा, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपनिंग सेरेमनी टू क्लोजिंग सेरेमनी, ओके। और जो लास्ट ईयर का भी लास्ट टाइम लास्ट ओलंपिक का जो विनर होता है वो इसको रखता है, ठीक है। ओके, आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए, वेरी गुड, ओके। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़े उसके बारे में मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लेता हूँ जिससे मुझे पता चले आप कितना सीखे। ओके, तो आज अपने पढ़े उसके बारे में थोड़े क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एशियन ओलंपिक है स्टार्ट, कोई बता सकता है अपना पुराना ओलंपिक जो प्राचीन ओलंपिक था वो कब चालू हुआ था? ओके, आप बोलिए। 776 वेरी गुड, 776 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, सॉरी सर, इट्स ओके। 776 BC, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ईयर हैज स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक, कौन सा साल था जिसमें मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ? मैंने आपको अभी बताया, ऐसे कोई बताएगा आंसर? ओके, आप बोलिए। 1896 वेरी गुड, 1896 में अपना फर्स्ट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था मॉडर्न ओलंपिक, ओके। और थर्ड क्वेश्चन है ओलंपिक वर्ड गेट फ्रॉम ब्लैंक वर्ड, ओलंपिक वर्ड था वो किस शब्द पे से लेने में आया था, कोई बताएगा? ओके, आप बोलिए। ओलंपियाड, ओलंपियाड वेरी गुड। ओलंपियाड वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन है अपना ब्लैक चक्रा इज मॉडर्न फ्लैग सिचुएटेड, ब्लैक चक्रा मतलब खाली जगह चक्र जो अपना मॉडर्न फ्लैग है मैंने आपको बताया उसमें कितने चक्र है, क्या बोलिए? 5 वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आपको सब आंसर आ रहे हैं, ओके। ये सब अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आंसर्स के बाद मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ जो आपको कल करके लाना है। ओके, तो होमवर्क आज का शॉर्ट नोट अबाउट
ओके, ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आज का होमवर्क है, कल आपको सबको लिख के लाना है, मॉडर्न ओलंपिक के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है। ओके थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इतना पीसफुली मेरा टॉपिक अटेंड किया, इसलिए थैंक यू सो मच।